except for Ian, I have not heard of one channel. That's what I said. What happened? ये साल हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके पहले जो फिल्म आई थी राजी वो भी बहुत पॉपुलर हो गई और इसके बाद सुरमा का सक्सेस सुन के और देख के हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है बिकॉज़ ये जो फिल्म जिसने बनाए हैं वो हमारे बहुत ही क्लोज दोस्त हैं जिनके साथ हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं शाद अली यू नो आफ्टर ऑल द फिल्म्स दैट ही मेड ये फिल्म इट हैज गिवन हिम ए सक्सेस प्योरली ऑन मेरिट उनके मेहनत से और फिल्म का जो कंटेंट है फिल्म में जो परफॉर्मेंसेस है जो डायरेक्शन है जो कैमरा वर्क है जो म्यूजिक है लिरिक्स है सब इट्स गॉट डेप्थ और एस्थेटिक्स है और उसकी वजह से ये फिल्म सक्सेस हुई ये सुनकर और देखकर मुझे और हमें बहुत खुशी होती है But actually this film is a honest film hai aur kya hai ki is the thing is that the way he's made it is such a simple story but the story which people don't know about aur uski jo emotion jo aati hai dekhte time that is really contributed to the success of the film music to pehle se aayi music was doing well but now when the film did well the music does extra well with that so it's a very good combination to happen and we're very happy about it film sahi hai story ekdam sahi hai matlab सच ट्रू स्टोरी है और बहुत दिल से बनाए और सक्सेसफुल हुआ हम गुलजार साहब के बिना ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाता था बिकॉज यू नो इफ इफ अ पर्सन ऑफ दैट कैलिबर इज रेडी टू वर्क विद अस वर्क विद अ यंग डायरेक्टर लाइक शाद and he puts in his heart and soul into the film wo ek matlab he's like the youngest person in the team you know aur unka jo passion enthusiasm hai aur lyrics likhne ka andaaz hai that is younger than any young writer in this country so for us just being in the same room jahan par gulzar sahab hain that is the biggest blessing and we are very happy that along with him we were able to create songs like ishq di bajiyan aur Surma, the title song. So, truly a blessing. Shankar, आप जब भी मतलब होते हैं या कोई भी गीत को सुन लेते हैं तो एक अगर आजकल के समय की बात की जाए तो एक पेट्रियोटिक फीलिंग जो होती है ना वो सभी में एक रोंगटे से खड़े कर देती है स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है अगर आप उसके अवसर पर अगर यस फॉर श्योर एक गाना है सुरमा में से ही मैं गाऊंगा और उसके बाद एक और गाना गाऊंगा विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडिपेंडेंस डे सो तगड़े ओए तगड़े डड्डे सूरमा सोने ओए सोने सड्डे सूरमा तगड़े ओए तगड़े डड्डे सूरमा सोने ओए सोने सड्डे सूरमा आई एम विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और ये गाना स्पेशली For August 15th. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन Thank you so very much, sir. Very soon. Thank you. You look like a very friendly kind of बोलेगा
लक्ष्मी तापसी जी राइट में, राइट में, राइट में सर, सर सर राइट में सर, राइट में उधर मेरे को बैठ रहा बड़ा कैमरा जूम कर लिया शाम एकदम इसको क्या हो किधर थैंक यू थैंक यू हमेशा होती हूँ मैं ग्लोइंग एंड हैप्पी हमेशा रहती हूँ मैं बट हाँ टुडे इज really special in more than one ways ek to because of this surma that we have finally crossed the success line now and then of course for more birthday week acha ja raha hai aapka ye wala birthday bahut zyada acha ho gaya matlab itna acha ho gaya sir 3 ghante soyi thi main thank you अनाउंसमेंट किसको हो गया अच्छा हाँ बहुत बिजी थी मैं यार मैंने बहुत मेहनत करी है आई वर्क रियली हार्ड तो लास्ट एक साल तो अब वो रिलीज होंगी ना पिक्चर तो अच्छा लग रहा है थैंक गॉड के सब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबको तो इतना वो कॉन्फिडेंस आता है कि मे बी मतलब जो मैं चूज़ कर रही हूँ वो अच्छी स्क्रिप्ट हैं हैट्रिक होना अभी बाकी है अभी मर्जिया के बाद आई होपफुली वो हैट्रिक बनाएंगे तो सुरमा से स्टार्ट हुआ है तो आई थिंक कहते हैं ना गुड स्टार्ट इज हाफ जॉब डन सो गुड दैट इट स्टार्टेड विद सच अ स्पेशल फिल्म फिर बुल कब तो चालू हुई है देखते हैं कहाँ तक जाती है एंड उसके बाद मनमर्जियाँ आएगी तब आप लोग बताना वो कैसी लगी तो अभी तक साल अच्छा जा रहा है मेरा मतलब हैप्पी बर्थडे के साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर भी मनाऊंगी मैं इस साल अच्छा सा कौन सी जर्नी सूरमा की जर्नी एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तभी पता था कि बहुत अच्छी स्टोरी है हमारे पास बहुत अच्छे लोग साथ में जुड़ रहे थे बहुत अच्छे एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस तो एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना कि प्रोडक्ट तो हम अच्छा बना लेंगे नाउ लेट्स लीव इट टू द ऑडियंस कि वो कितनी खुशी से एक्सेप्ट करती है तो कहते हैं ना एक टॉर्टोइस स्लो एंड स्टेडी तो उस तरीके से द वे द फिल्म पिक्ड अप आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्स हमने सोच के नहीं बनाया था कि कितने हम बॉक्स ऑफिस पे क्या नंबर आएगा एंड ऑल दैट वो कोई टारगेट नहीं होता है इतना पता होता है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए इट शुड बी डिक्लेयर्ड अ हिट इट शुड मेक मनी एट द बॉक्स ऑफिस एंड इवेंचुअली थैंक गॉड इट डिड सो आई थिंक टुडे दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग एक्चुअली मुल्क के लिए कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने ज़्यादा हैं कि अभी सीपिन होना बाकी है अभी मतलब इतने ज़बरदस्त रिव्यूज़ मेरे को लगता है कि पिंक के बाद इस तरीके का रिस्पांस आया है यूनानिमसली फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विद फ्रॉम द क्रिटिक्स अब जनता की बारी है आई मीन सो फार द पब्लिक रिस्पॉन्स दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम पीपल हु आर वॉकिंग आउट ऑफ द थिएटर इज़ ट्रिमेंडसली गुड सो जस्ट लेट्स होप दिस इज अ वर्ड ऑफ माउथ फिल्म देखते हैं आप लोग भी देखी है तो प्लीज़ लोगों को बोलो अगर अच्छी लगी है तो एंड लेट्स होप दैट ऑल्सो उसकी सक्सेस पार्टी भी मनाऊँ मैं ऑफकोर्स कंसर्न होता है फॉर द प्रोड्यूसर दैट दे वोंट बी एबल टू मेक द मनी दैट दे कुड हैव एंड फॉर आई फील सैड दैट गुड कॉन्टेंट विल नॉट रीच देयर सो आई फील सैड फॉर देम तुम्हारा केस लड़ूंगी मैं सुमित तुम बोलो तुम्हारा केस पक्का लड़ूंगी मतलब मेरा चूज करने के टाइम पे जब पिक्चर चूज करी थी लोगों ने इसलिए बोला था नहीं करने के लिए क्योंकि उनको लगता था शायद जुड़वा 2 के बाद दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन टू डू अ फिल्म विच इज गोइंग टू बी सो हार्ड हिटिंग विच विल not have the typical dancing or you know those typical commercial criteria जो होते हैं तो काफ़ी लोगों ने सोचा था नहीं करना चाहिए but I think मेरे पास एक picture थी जिसने हम सबको गलत prove किया था 2 साल पहले
पिंक, तो आई थिंक मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर वो चल सकती है तो ये भी चल सकती है. सो लेट्स होप दिस ऑल्सो वर्क्स. I always celebrate my Independence Day, be it in form of flying the kite or be it in form of just having a get together with my friends and all, celebrating in some or the other way. But as an actor, I can celebrate it and do my part of being part of such films which highlight patriotism. So Surma was one, of course, and then Mulk. I think I have been pretty patriotic this year. मैं बताती हूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उसकी एक लाइन बताती हूँ, बाद में गाना आपको इसकी एक लाइन बताऊंगी, आपको गाना पता चल जाएगा कौन सा होता है. उसकी एक लाइन बताऊंगी आपको गाना पता चल जाएगा कौन सा है. मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. जा तो रही हूँ हाँ. या मेरे को पता नहीं था, आपने बताया, थैंक यू सो मच. एज एन एक्टर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आई थिंक वो जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है उनको डिसाइड करना चाहिए उनको ठीक लगता है कि नहीं. आई थिंक व्हाई नॉट, हिंदी में भी आने चाहिए और मतलब जो भी लैंग्वेज इंडिया में बोली जा सकती है उन सब में आ जाने चाहिए. मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. अरे पीवीआर में पॉपकॉर्न 200 के ही बिक रहे हैं अभी, कुछ बोल ना. तुमने ऑर्डर नहीं किया स्विगी जोमैटो पे, ऑर्डर नहीं किया सीट पे. मैं तो ट्राई करने वाली हूँ जाके, मैं ट्राई करने वाली हूँ ऑर्डर करना. थैंक यू. हाँ जी Independence Day, happy, friends, love and happy.